अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिस घर में कुत्ता, तस्वीर और जनाबत वाला शख्स पड़ा हुआ है, हालांकि फजर भी हो गई फिर भी पड़ा हुआ है, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ता तो मुसलमानों के घर में इतनी कसरत से नहीं होता, लेकिन जनाबत के बारे में सुस्ती बहुत है, और तस्वीर का तो क्या ही कहना। जी रूह चीज की तस्वीर घर में पड़ी है, घर में पड़ी है, लगा रखी है, लगा रखी है। और ये ऐसा गुनाह है, गुनाह बेलज्जत। अल्लाह ना करे अगर ये एक तस्वीर जाने वाले की है उसको भी तकलीफ हो रही है, और अगर जिंदा शख्स की है उसके लिए भी मुसीबत है, उसके लिए भी मुसीबत है। हाँ, जरूरत के दर्जे में जहां शरीयत ने इजाजत दी है, जरूरत के दर्जे में तो एक दर्जे में हराम खाने की भी इजाजत है। कोई आदमी भूख से मर रहा है और भूख होने की वजह से शरीयत ने उसे कहा है कि इतना खा ले कि जान बचा ले, तो शरीयत ने जहां जरूरत के दर्जे में इजाजत दी है वो तो ठीक है। लेकिन ये कि घरों में तस्वीरें पड़ी हुई हैं, चीजों में, कागजात में, सफहात में, अखबारों में और इस किस्म की चीजों में पड़ी हुई है, गुनाह पे लज्जत। लेकिन नुकसान कितना है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्तों से महरूम।